गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम पार्ट दो शेकीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान का मतलब नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करके आवाज़ करने लगी। भिन 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 का मतलब जो मक्खी होती है उसकी जो आवाज़ होती है उसे भिन भिन कहते हैं। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, पंजा उसका हाथ। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा। दहाड़ा मीन्स उसकी गरजना, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा देती है? मतलब जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें कोई शोभा देती है क्या? शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा था। आग बबूला मीन्स बहुत क्रोधित हो उठा था। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया था। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उग गया। उग गया मीन्स थक गया, उसका जी भर गया। उग गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। प्रणाम मीन्स नमस्कार करो। मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा? बर्बाद मीन्स नष्ट करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कराने लगी। लोमड़ी मंद मंद मीन्स लोमड़ी भीनी भीनी सी मुस्कराहट लेने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को विशालकाय हाथी को भी हराया है। लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, मीन्स बुरी बुरी बातें कर रही है आपके बारे में, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। लाल मीन्स टमाटर की तरह गुस्से से लाल हो गई थी, जैसे टमाटर लाल होता है वैसे हो गई थी पूरी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूँगी। चुटकी बजाते मतलब एकदम एकदम से ख़त्म कर दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, ज्यों ज्यों मीन्स जैसे जैसे कोशिश करती गई, त्यों त्यों मीन्स वैसे वैसे और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कराती हुई वहाँ से चलती बनी। कैसी लगी कहानी आपको? तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी,
फिर क्या हुआ होगा, आगे कहानी बढ़ाओ, ये आपका होमवर्क है। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर ना ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। अब तुम कहानी के लिए और एक नया शीर्षक सोचो, यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी किसी भी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। शेर की जगह तुम होते तो क्या होता, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उग गया था, तुम क्या करते करते उग जाते हो। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वह लोमड़ी को बताओ। यह आपका होमवर्क है। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर जैसे मैं रात को भोजन करके अक्सर सोने चले जाता हूँ या जाती हूँ। कभी कभी भोजन के बाद मैं टहलती हूँ या टहलता हूँ। आपको इसी प्रकार से अपने बारे में बताना है, यह आपका होमवर्क है। इसी प्रकार शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाती हो। शेर ने जो खाया है उसका नाम यहाँ लिख देना, और जो आप खाते हो भोजन में वो आप यहाँ लिख देंगे। ओके, किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। यह कहानी से रिलेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है, यह आपको स्वयं करना है। इसी प्रकार ये कहानी आगे बढ़ रही है, आपको इसमें स्वयं भरना है। कौन क्या है, कहानी के हिसाब से बताइए कि घमंडी कौन है, डरपोक कौन है, सबसे चतुर कौन है, आलसी कौन है, समझदार कौन है और चतुर कौन है, यह आपको कहानी के बेस पे बताना है। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ, यह आपको स्वयं करना है। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास आपने क्या देखा है, उनका नाम लिखना है। जैसे अक्सर देखा गया है मच्छर और छिपकली, वैसे ही खेतों में आपने क्या क्या देखा है। इकट्ठे पानी के ऊपर क्या दिखाई देता है आपको, फूलों पर कौन दिखाई देता है, कच्चे के ढेर के ऊपर क्या दिखाई देता है, हलवाई की मिठाई पर कौन दिखाई देता है। इसी प्रकार आपको ये भरना है। कौन है शेकीबाज, क्या तुम किसी शेकीबाज को जानते हो, कौन है वो, वह किसी चीज़ के बारे में शेकी बगाड़ता है, ये आपको होमवर्क में करना है। पार्ट दो, शेकीबाज मक्खी के कठिन शब्द। ये क्या है, जंगल, जंगल मीन्स वन। क्या है, सून, हाथी की जो नाक होती है उसे सून बोलते हैं। यह है फंसना, किसी के जाल में फंसना। नेक्स्ट है घमंड, घमंड मीन्स अकड़, अभिमान करना। मुश्किल, मुश्किल मीन्स कठिनाई। प्रणाम, प्रणाम मीन्स नमस्कार करना। शेकीबाज का अर्थ होता है घमंडी। झूठी शाम दिखाने वाला।
जी भरना, इसका मीन्स होता है जी भरना। आग बबूला बना, स्नान का मतलब है नहाना। गाली देना बुरी बात कहना किसी के बारे में, पंजा जगह होता है शेर की हथेली, मतलब कमाई भी छोटी शाम खाना, उठ जाना, थक जाना या जी भर जाना, आग बबूला होना, क्रोधित होना, स्नान नहाना, गाली देना, किसी के बारे में बुरी बात कहना, मजा चीनी हटेगी।